जैसा कि बताते हैं, खंडवा तक जाना पड़ता था, कॉलेज में पढ़ाई करके आनी पड़ती थी, ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता था, बस का इंतज़ार करना पड़ता था, वो सारी दिक्कतें हमारे युवा भाइयों को नहीं आए। ये चिंता करते हुए आपके भैया कुंवर विजय शाह जी ने यहाँ पे कॉलेज खुलवाया, पॉलीटेक्निक खुलवाया। आने वाले समय में यहाँ पे बड़ा, आप लोग जो सब शिकायत करते रहते हैं कि भैया काम नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, देखो इंडस्ट्री एकदम से नहीं लगती है। इंडस्ट्री लगाने के पहले आपको उसका लॉजिस्टिक देखना पड़ता है कि कहाँ से गाड़ी आएगी जाएगी। आने वाले समय में हरसूद के चारों ओर 4 लेन का बड़ा सड़क का जाल बिछने वाला है। ये बात अंदर की है, आपको भैया और आगे बताएंगे। हरसूद के आसपास चारों तरफ जब 4 लेन सड़क आ जाएगी तो अपने आप कंपनी वालों को खोलने में देखना पड़ता है, भाई मेरा रॉ मटेरियल किधर से आएगा, मैं किधर से जॉब दूंगा। यहाँ पे अगर कोई कंपनी खोल देगा तो 4 दिन चलेगी और नुकसान में बंद कर देगा और आप लोगों को काम नहीं मिलेगा। ये लोग सब आके आपके दिमाग में एक कैसेट फंसाते हैं और अनडिसर्न्ड बात बोल के चले जाते हैं। हमको इनकी बातों में आना नहीं है। आप घर, आप लोगों के घर के आसपास कोई रहने वाला गया हो भूल तो उन सबको याद दिलाना, हरसूद की जनता के दिल में खिलता है कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। दोस्तों, समय का अभाव है, बहुत सारी बातें कहनी है ऐसे तो, और निर्माण की और विकास की और हज़ारों बातें हैं। कल कमल भैया ने बताया, बोले 80 पन्ने भी लिख दूंगा तो भी ख़त्म हो जाएंगे कि अगर हमने शिवराज सिंह चौहान और हमारे मोदी जी और आपके भैया ने जो विकास किया उसकी हम गाथा लिखने लगे। देखो, विकास एक निरंतर प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और भारतीय जनता पार्टी एक विकास रथ है जिसका मुख्य अंग हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उसके बाद हमारे CM शिवराज सिंह चौहान, आपके भैया और मैं खुद और आप सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, आप सब इस विकास रथ के छोटे छोटे पुर्जे हैं जो हम सब मिलकर इस देश के विकास करने में अपना हाथ और अपना सहयोग देते हैं। ये हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, ये लोग सब, इनका तरीका, तौर तरीका आप लोग सब जानते हैं। ये लोग बस यही, इनका के पास कोई मुद्दे नहीं है। आप यहाँ पे माखन भैया की बात करें, माखन भैया के सामने जो प्रत्याशी है वो जेब में हाथ डालता है, चॉकलेट बांटता है और निकल जाता है। माखन भैया वो व्यक्ति है जिसने 10 साल से लगातार निरंतर आप लोगों को सेवा दी है। कहीं बोले बस में रहता है, इधर रहता है, सब दूर घूमता रहता है, लेकिन आप लोगों का ध्यान रखता है। ये माखन है और वो चोर है, आप लोगों को इस माखन का ध्यान रखना है। और अगर ये बात, अगर अपन जो अभी नए नए मौसम के जो लोग आ गए, इस मौसम में बाहर आ गए, उनको मैं एक बात और कहना चाहूं, अगर आप अपने आप को कर्मठ कार्यकर्ता बोलते हो भारतीय जनता पार्टी का, तो ये रहे राजू भैया, राजू भैया खड़े हो, राजू भैया भी पार्षद थे और निरंतर पार्टी ने जब जब इनसे जो जो मांगा है, जिस तरीके से समय मांगा है, उन्होंने हमेशा दिया है। टिकट ना मिलने पर राजी खुशी होकर कोई बात नहीं, सबको पप्पू भैया को अपना सपोर्ट देकर, और आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे वार्ड में प्रचार कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कर्मठ कार्यकर्ता। तो देखिए, आप लोग हमारे युवाओं के शेर को जगाओ मत, फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे हैं, मैं उधर भी हैं, राजू भैया उधर भी हैं, जैसे बहुत सारे संतोष भैया हैं, ऐसे बहुत सारे राजू भैया और बहुत सारे प्रीतम भैया हैं और बहुत सारे जय बाबा भी हैं पूरे हरसूद में। आप लोग जगाओगे तो इसका परिणाम आपको 27 तारीख को और 30 तारीख को मिल जाएगा और दिख जाएगा कि हरसूद की जनता के दिल में कमल का खिल खिलता है। अब फिर मैंने, ये लोग आगे बातों को खींच दिया, इनको जाने दें, समय का भाव है, मेरी वाणी को विराम। जय श्री राम। आप सबसे फिर से मेरा निवेदन है, आप सब एकजुट होकर और मिलकर भारी से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशी को जिताएं। जय श्री राम।